हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यश क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही थर्ड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो उन्हें आपको देखना जरूरी है। अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आपको शायद यह लेक्चर ना समझ में आए। और यहाँ पर हम 2 से 3 मेथड पर और बात करने वाले हैं और इसी के साथ हम अपने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को कम्प्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगले नंबर का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है वो है बाई इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, by electrolysis of dicarboxylic acid, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, dicarboxylic acid, ओके। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, वो भी स्पष्ट तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। किसका कराते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। मैंने ऑलरेडी आप सभी को जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स वाले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था और मैंने कहा था कि इस मेथड को हम एक स्पेसिफिक नेम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। क्या कहते हैं इस मेथड को ही, हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है समझते हैं। यहाँ पर बात ये बोली जाती है कि जब हम अपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वो एनोड पर एल्कीन को देना शुरू कर देता है। कैसे होता है ये बात करते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ऐसे लिखिए आप सभी का सेंटेंस भी बैठ जाएगा, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम भी लिया जा सकता है, पोटेशियम या फिर इसकी जहाँ पर हम सोडियम भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि अगर हम लेते हैं पोटेशियम या सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो गिब्स या क्या करता है, या प्रोवाइड करता है एल्कीन को, क्या करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करने लग जाता है। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, एट दी एनोड, यानी कि यह क्या करता है, यह एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या करता है, एल्कीन्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे होता है आइए बात करते हैं। और अगर आप सभी को ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है तो वैसे तो इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होता है, लेकिन आपको 6th सेमेस्टर में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी उस पर हमें समय देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं, चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं, CH2 बॉन्ड COOK मैंने ले लिया, यानी कि पोटेशियम साल्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ से ये हमने क्या किया, सक्सेनिक एसिड की सहायता से सक्सेनिक पोटेशियम साल्ट का हमने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक है और यहाँ पर हमारे पास CH2 ग्रुप जुड़ा है, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, क्या किया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिसिस कराया। अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होता है कि इस पोटेशियम पर प्लस चार्ज आ जाता है और इस सी डबल ओ माइनस पर सी डबल ओ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर भी प्लस चार्ज, इस पर भी क्या होता है माइनस चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पोटेशियम होता है वो 2K प्लस के रूप में टूट जाता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ऐसा ही होता है, फिलहाल यहाँ पर हम ऐसा कहकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम आगे चलते हुए इन सभी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है CH2 COO- और यहाँ से बॉन्ड बनते हुए CH2 COO- हमारे पास बचता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एनोड पर जब हम बात करते हैं, एनोड पर, ओके, एट दी एनोड, ठीक है, तो एनोड पर होता है जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोल्बे ने कहा था या फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा था कि जो हमारे पास CH2 COO- हमारे पास मिल रहा है, क्या मिल रहा है, CH2 COO- जो हमारे पास मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास CH2 COO जो माइनस मिल रहा है, यह क्या करता है, यह दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जब यह दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा CH2 COO बचा, यानी कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इसको हम थोड़ा सा हीट देते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम हीट का सिंबल नहीं बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा हीट देते हैं, और जब ये हीट देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना मोल्स होगा, आइए बात करते हैं। हाँ, यहाँ से भी CO2 और यहाँ से भी CO2 निकल जाते हैं, तो दो मोल्स हमारे पास CO2 रिलीज हो जाते हैं। और जब ये CO2 रिलीज हुआ, ये CO2 रिलीज हुआ, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ये भी बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। और जैसे यहाँ से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था ही, तो यहाँ पर हमारे पास CH2 COO आ जाता है। इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है, C2H4 भी लिखा जा सकता है, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास एथिलीन बन चुका है, या फिर कहा जा सकता है कि ये हमारे पास एथीन बन चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, किसकी सहायता से ये हुआ है, ये हमारे पास है पोटेशियम साल्ट। ठीक है, पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड, ओके, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का नोट डाउन कर लीजिए। यह हमने अपने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को भी कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम दूसरे मेथड पर बात करते हैं। तो अब चलिए एक और मेथड पर हम बात करते हैं, और यहां पर यह जो मेथड है यह आप सभी से एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी नंबर हो मेथड का वो लिख लीजिएगा, और लिख लीजिए कि बाई ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, यानी कि अब हम फॉर्म करने वाले हैं कि ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से कैसे रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट से हम कैसे क्या करने वाले हैं, अपने एल्कीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिएजेंट था। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम जो कार्बन्स की संख्या होती है उनमें बढ़ोतरी कर पाते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट कर पाते हैं। कैसे होता है ये बात करते हैं, सब कुछ समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जब व्हेन हैलोजन, ठीक है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स जो होते हैं, ठीक है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स जो होते हैं आर रिएक्ट्स विथ, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं
किससे रिएक्शन करते हैं? ग्रिगनॉल रिएजेंट से। ग्रिगनॉल रिएजेंट का फार्मूला आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, याद रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ग्रिगनॉल रिएजेंट, ओके, क्या होता है जब ये ग्रिगनॉल रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, फॉर्म्स एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स। अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं तब तो आपको सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ग्रिगनॉल रिएजेंट का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पर, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं एक एल्कीन है जो कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह क्या है, एक एल्कीन ही है। यहाँ पर भी कार्बन हमारे पास चार बॉन्ड बनाया है और एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो यह क्या हुआ, एक एल्कीन हमारे पास हुआ। अब क्या होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दिए तो बचा कितना, दो हाइड्रोजन। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हैलोजन एटम को लिंक कर दे रहे हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि क्लोरीन एटम आकर क्या हो गया, लिंक हो गया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मैंने कहा है, एक एल्कीन हमारे पास था, उसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, उसके जहां पर एक क्लोरीन को ला दिया, यानी कि एक हैलोजन एटम हमारे पास आकर लिंक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, ठीक है। अभी इसका क्या नाम है इस पर भी हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, जब इसका हम ग्रिगनॉल रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, ग्रिगनॉल रिएजेंट हम ले सकते हैं CH3 Mg, और यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं, ठीक है। यह हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, वह हो सकता है CH3 हो, वह हो सकता है C2H5 हो, वह हो सकता है C3H6 भी हो सकता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि हम मेथेन या एथेन का ही उपयोग करते हैं, फिलहाल आइए बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक फिक्स मेटल होना चाहिए, यानी कि Mg होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास एक हैलोजन एटम होना चाहिए, वह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, एडीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा हम हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एक ही पॉट में इन सभी चीज़ों का जब हम रख देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और इसमें अगर बात किया जाए तो यह जो क्लोरीन एटम है यही अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ से एक MgCl निकलता है, और Mg पर चूंकि दो प्लस चार्ज होता है तो एक प्लस चार्ज तो इस क्लोरीन से सेटिस्फाई हो रहा है, एक प्लस चार्ज जो यहाँ पर टूटने की वजह से प्लस चार्ज आएगा वह इस क्लोरीन से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यह क्या करता है, यह MgCl2 का फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, यहाँ से इतना पोर्शन बच रहा है और यहाँ से ये पोर्शन बच रहा है, तो ये क्या करते हुए है, ये सभी लिंक हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसका क्या नाम है, रिएक्शन सही है ना, यहाँ पर CH2 CH CH2 और एक CH3 जाकर यहाँ पर लिंक हो जाएगा, एक Cl यहाँ पर लिंक होगा, तो MgCl2 का फॉर्मेशन कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए इसका क्या नाम है, तो इसको एक्चुअली कहा जाता है एलिल, ठीक है, एलिल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है, एलिल क्लोराइड कहा जाता है इसको। और इस पर अगर बात किया जाए तो ये तो हमारे पास आप सभी का प्यारा जाना पहचाना हमारा है ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये पहला का काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहले ही कार्बन पर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास है ब्यूटीन, या फिर आप 1-butene भी कह सकते हैं। और ये तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये तो आप सभी जानते हैं, और जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, आप लोग क्या करिए इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने ग्रिगनॉल रिएजेंट से कैसे फॉर्म करते हैं
एल्किन्स का, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो स्क्रीन, तो अब चलिए अपने लास्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात करते हैं और इसी की सहायता से हम अपने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यह बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाई क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एल्केन्स का हम क्रैकिंग कराएंगे, यानी कि अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो भंजन हम कराते हैं एल्केन्स का। कैसे होता है ये बात करते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने आने वाली हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि व्हेन एल्केन्स, ठीक है, जब हम एल्केन्स को हीट करते हैं, हीट, व्हेन एल्केन्स आर हीटेड, ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन एल्केन्स आर हीटेड एट, कितना हम टेम्परेचर ले लेते हैं, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस पर हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो हम हीटिंग कराते हैं या क्या करते हैं या वैक्यूम में कराते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर वायु जो हो वो अनुपस्थित हो, ऐसे सिचुएशन में हम कराते हैं। तो क्या होता है कि डीकम्पोज जो हमारा एल्केन होता है वह डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज हो जाता है, ओके। अब यह डीकम्पोज जब होता है तो डीकम्पोज इन लोअर एटॉमिक मास मॉलिक्यूल्स, क्या होता है ये लोअर एटॉमिक मास मॉलिक्यूल्स में डीकम्पोज होता है। समझते हैं कि ये बातें मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली तो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं, जब तक हम रिएक्शन को नहीं लिखेंगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनको जो हम 500 से लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और जब हम गर्म करते हैं तो उस सिचुएशन में वायु जो हो वो अनुपस्थित होना चाहिए, क्योंकि अगर वायु प्रेजेंट होगा तो उसमें नमी पाई जाएगी, नमी जैसे ही पाई जाएगी वहाँ पर दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने वैक्यूम वर्ड उपयोग किया है, यानी कि वायु जो हो वो अनुपस्थित होना चाहिए। तब क्या होता है कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले मॉलिक्यूल्स में टूटने शुरू हो जाते हैं। कैसे क्या होता है ये बात करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, चलिए हम प्रोपेन को ले लेते हैं, जैसे कि प्रोपेन मतलब CH3, CH2 और यहाँ पर हमारे पास CH3 हो गया, ठीक है, CH3, CH2 और CH3 हमारे पास एक प्रोपेन है। अब प्रोपेन को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, थोड़ा हीट देंगे तो यह क्या होता है टूटता नहीं है, लेकिन जब इसके हीट को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है, कहता है अब तो मुझे टूट जाना है, और यह क्या करता है टूट जाता है लगभग 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही हम पहुंचाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है वाष्प में बदल जाता है, और यहाँ पर उसका 5 से 7 गुना हम टेम्परेचर कर दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम हीट देते हैं। तो यह प्रोपेन भी कहता है अब तो मुझे टूट जाना है, और यह टूटता कुछ इस प्रकार से है। क्या होता है कि यह लोअर एटॉमिक मास मॉलिक्यूल्स में टूटता है, समझना इस बात को। यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में पहले टूटेगा, क्या होता है लोअर एटॉमिक मास वाले मॉलिक्यूल्स में टूट गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसका एटॉमिक मास क्या हो गया कम हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी फॉर्म होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का भी फॉर्मेशन होता है, इसके साथ साथ हमारा मेथेन मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, इसका जितना भी लोअर एटॉमिक मास बन सकता है उन सभी में टूट जाएगा। यहाँ पर यह भी एक लोअर एटॉमिक मास बना, ये भी एक लोअर एटॉमिक मास बना, यह भी एक लोअर एटॉमिक मास बना, और साथ ही साथ अब इससे छोटा तो है नहीं, तो यह क्या होता है H2 भी गैस का फॉर्मेशन कर जाता है।
इतनी चीजें फॉर्म करता है जब हम प्रोपेन को डीकम्पोज कराते हैं। तो अब क्या होता है, आपके दिमाग में यह चलना शुरू हो गया होगा कि सर जी हमने जो रिएक्टेंट लिया था उसमें तो कार्बन्स की संख्या 3 है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें तो कार्बन्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये तो रिएक्शन अनबैलेंस है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप सभी को यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ये एक रिएक्शन जिसे आप बैलेंस नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है यह भी मैं समझा देता हूँ कि कुछ मॉलिक्यूल्स जब होते हैं रिएक्टेंट के, यानी कि प्रोपेन के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें टूट जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें टूट जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें टूट जाते हैं, यानी कि प्रोपीन का भी फॉर्मेशन होता है, एथीन का भी फॉर्मेशन होता है और मीथेन का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, ये तो नॉर्मली टूट नहीं रहा। पहली बात तो ये भी समझो कि ये तो नॉर्मली टूट ही नहीं रहा, इसको हम जबरदस्ती तोड़ रहे हैं कि 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका हम टेम्परेचर कर रहे हैं तब तो यह कह रहा कि अच्छा अब हम टूट जाएंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम कितना कैपेसिटी है सहने की। ठीक है, तो यह टूटता है तो यह क्या करता है, प्रोपीन का फॉर्मेशन कर जा रहा है, यह प्रोपीन ही तो है, और यहाँ पर क्या है, ये एथीन है जिसे एथिलीन भी कई बार कहा जाता है, और ये हमारे पास क्या है, ये तो मीथेन है। हम सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, मीथेन का भी फॉर्मेशन हो गया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही अगर हम ब्यूटेन को लेते तो वहाँ पर ब्यूटीन भी फॉर्म होता, प्रोपीन भी फॉर्म होता, और जितनी भी चीज़ें, एथीन भी फॉर्म होता, मेथेन भी फॉर्म होता, वहाँ पर ये सभी चीज़ें भी फॉर्म हो जाती। ओके, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे, और इस लेक्चर की सहायता से हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एल्कीन्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अगले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जल्द ही कम्प्लीट कर लें, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।